फ्रेंड्स, आज हम आपको बताना चाहेंगे कुछ सिटिंग्स के बारे में जो कि बच्चों को हमें ज़्यादातर करानी चाहिए। उनके डेवलपमेंट भी अच्छी होती है और स्पेशली न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंटल एबिलिटीज हैं उन बच्चों की। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ भावेश हमारा वॉलंटियर। तो दिस इज ही सिट्स राइट नाउ जस्ट सी तो इजीली पुट हिम इन द क्रॉस लेग सिटिंग फर्स्ट। हां गाइस, लूज करो। हां शाबाश, दिस इज क्रॉस लेग सिटिंग है। इसको हम नॉर्मल भाषा में आलती पालती सिटिंग बोलते हैं। दिस इज क्रॉस लेग सिटिंग काफी कॉमन होती है भारतीय बच्चे और इंडियन कॉन्टिनेंटल में, जो पाकिस्तान है, श्रीलंका और भी जो देश हैं, जनरली क्रॉस सिटिंग में बच्चों को खाना वाना खिलाते हैं बिठा के। और इट्स वेरी गुड फॉर प्ले एक्टिविटी, इसमें बच्चों को खेलना है किसी चीज के साथ, टॉय के साथ। वी कैन प्ले विद द टॉय आल्सो, भावेश के लोग टू टॉय टू वी कैन। तो दिस इज अ वेरी कॉमन सिटिंग और ये सिटिंग। दूसरा सिटी का प्रकार है साइड सिटिंग, इसको हम बोलते हैं कि ऐसे साइड से होकर बैठे भैया। तो ये जो हाथ, सपोज दिस चाइल्ड हैज अ नॉट वेरी गुड सिटिंग कंट्रोल, बट उसकी जो फिंगर फिस्टेड हो रही है उसको रोकने के लिए और मसल टोन कंट्रोल करने के लिए भी काफी काम की। दिस इज अ साइड सिटिंग, इसको हम बोलते हैं साइड से बैठना। इट इज नॉट वेरी कॉमन बट इट्स वेरी गुड फॉर जॉइंट कंप्रेशन, स्पेशली हैंड कंप्रेशन और पाम खोलने के लिए, है ना भावेश? सामने देखो, गुड बॉय। तो दोनों साइड, दिस इज राइट साइड सिटिंग और अदर साइड लेफ्ट साइड सिटिंग बताएंगे। दो है ऐसे करके, भावेश प्लीज, थैंक यू भावेश फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसे करके दिस इज द लेफ्ट साइड सिटिंग। सामने देखो भावेश, ऊपर देखो, ऊपर। ये जो पोस्चर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर साइड फ्लेक्सर्स, फॉर देयर मसल टोन नॉर्मलाइज करने के लिए। दिस इज द साइड। इसके बाद आती है थर्ड, लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग मतलब इसमें हम पैरों को इसे लंबा करके बैठते हैं और चाइल्ड कैन सिट विद द केयरर और विद द बॉल सपोर्ट और द कॉर्नर। तो ये जिससे से बैठा है, दिस इज लॉन्ग सिटिंग। सॉरी, और कई बच्चे लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं, खेलते हैं, प्ले करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दिस इज लॉन्ग सिटिंग। उसके बाद फोर्थ सिटिंग जो है उसको हम बोलते हैं चेयर सिटिंग। जैसे कि सपोज दिस चाइल्ड, दिस इज चेयर एंड दिस इज चेयर, सपोज एग्जांपल दिस इज चेयर, तो पैर नीचे हैं गड्ढे के नीचे डिग्री पर, और दिस इज चेयर सिटिंग। इट्स वेरी कॉमन, बहुत सारे लोग बैठते हैं, ये चेयर सिटिंग है। इसमें बिठा के बच्चों बैलेंस एक्टिविटी कर सकते हैं, कि उसको कोई चीज पकड़ने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि सपोज टॉय है, पकड़ो पकड़ो, रीच करो रमेश, पकड़ो प्लीज, पकड़ लो, नहीं नहीं गिरोगे नहीं, पकड़े कोशिश करो, पकड़ो पकड़ो, ले लो ले लो, चेयर। देन नंबर फोर, वी कैन पुट ऑन द स्ट्राइड सिटिंग। स्ट्राइड सिटिंग मतलब STRIDE, स्ट्राइड मतलब दोनों पैर अलग अलग। ये इट इज गुड फॉर द एडेक्टर्स, को हमें अगर रिलीज करना है, एडेक्टर्स टाइट हैं। प्लस इट इज वेरी गुड फॉर टीचिंग सिटिंग बैलेंस, स्पेशली सेमी रिएक्शन। दिस इज स्ट्राइड सिटिंग, ओके। इट्स वेरी कॉमन, इसमें बच्चों को मौका देंगे कि इस तरफ जा रहा है तो बच्चे इधर जा रहा है, बच्चे अगर पीछे आ रहा है तो उसको आगे, तो एक्स की एक्सरसाइज भी रहती है इससे, एक्स मतलब पेट की मांसपेशियां भी रहती है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, एंड इफ ही इज मैनेजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड फॉर हिम, है ना फारिश, है ना। ये लो टॉय, लो पकड़ो पकड़ो, खेलो खेलो, प्ले विद द टॉय, खेलो शाबाश, खेलो गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। And finally, if child has a lot of issues in sitting, if he does not able to sit independent, तो corner chair, और अगर corner chair नहीं है, तो sit on the corner wall. Suppose this is the corner of wall, तो child can sit here and we can put the support from this side, from this side. तो this is the corner sitting, wall sitting भी कहते हैं, कि दीवार के कोने में बच्चे बिठा सकते हैं। बट उसके चारों हम तकिए लगा देंगे या हम कुछ चीजें फिट कर देंगे तो बच्चा बैठ सकता है विद लॉट ऑफ सपोर्ट, दिस इज टॉय एंड पुट हियर फॉर सपोर्ट, है ना। हेलो भावेश, ओके। एंड सपोज इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, लाइक इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी ऑन योर नियर हाउस सम थेरेपी सेंटर और हेल्थ सेंटर, सो इफ दे हैव अ काइंड ऑफ कॉर्नर चेयर,
दिस इज अ कॉमन चेयर और सीपी चेयर बोलते हैं लोग बाग इसको। इसमें ये होल बने हुए हैं जो कि हार्नेस के लिए, मतलब हमें अगर कोई सपोर्ट लगाना है चुन्नी बांध सकते हैं। और जैसे भावेश को हमने बिठाया इसमें, तो भावेश इससे चेयर और लॉन्ग सिटिंग में हो गया, प्लस ये ट्रे लगा देंगे जिससे कि आराम से कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज यू कैन प्ले बोथ दिस बॉल, पीनट बॉल से खेल लो। तो ये जो सिटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। और ये सिर्फ माँ अपना काम भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि साथ पेरेंट्स फ्री हो सकते हैं, बच्चा खेल सकता है सेफ्टी के साथ, है ना, खेल सकते हो ना, हैंड फंक्शन करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, सब कुछ, इवन यू कैन लर्न। और ये जो चेयर है वो सिटिंग बारे में सिखा रही है लेकिन वो एक्सपीरियंस दे रही है, अनुभव दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सभी मेरे सब्सक्राइबर्स से कि आप लोग इसको देखें, समझें, और कोई भी प्रश्न हो आप कुछ हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू बोलो भावेश, थैंक यू, बाय बाय।